एट मैथ्स इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.5 अपने चल रही है। तो इसका आज लाइव क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे करना है, तो इसमें बोला है प्रदर्शित कीजिए, शो कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। अब शो या प्रदर्शित कैसे करना होता है, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल के साइड को LHS बोलते हैं, इक्वल के साइड जो भी लिख रहा है इसको RHS बोलते हैं। तो प्रदर्शित करने में सिर्फ इतना करना होता है कि दोनों में से किसी एक को या दोनों को सोल्व करके इक्वल लाना होता है। मतलब LHS को लिया मैंने, LHS को लिख लिया और इसको सोल्व करना स्टार्ट करा, और अगर मान लो इक्वल आ जाए RHS के तो ठीक है, नहीं तो फिर RHS को भी सोल्व करेंगे। पहले LHS को लिख लिया ये, फिर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सर्वसमिका अप्लाई कर दी, जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 7 माइनस 84x। 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 49, इसको मल्टीप्लाई करा तो 2 3 जा 6 6 7 जा 42 42x माइनस 84x, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x ये आ गया। अब ये इसके जैसा तो नहीं आया, तो कोई बात नहीं, RHS को भी लो और इसको भी सॉल्व कर लो। तो ये आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सर्वसमिका से हो जाएगा। सर्वसमिका को इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं, सर्वसमिका इंग्लिश में आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x। LHS इक्वल RHS, क्योंकि अब देखोगे आप तो ये और ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है, देखो तो ये LHS इक्वल RHS हो गया। मतलब यही अपन को सिद्ध करना था, दोनों साइड बराबर लानी थी। सेकेंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है इसका, जो आपको करना है बिल्कुल एज इट इज़ है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड भी है तो वैसा ही, लेकिन देख लो ये लिख लिया मैंने इसके इधर LHS को लिख लिया, कॉपी कर लिया। अब ये वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, जो यहाँ करी थी ये, यही सेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा a गुणा b प्लस 2mn। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एम स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एन स्क्वायर, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 2mn और 2mn, 2mn 2mn कैंसिल हो गया, 16 एम स्क्वायर अपॉन 9, 9 अपॉन 16 एन स्क्वायर, और यही आपका राइट हैंड साइड है, और यही मुझे लाना था। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो RHS को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, LHS को सोल्व करने से ही आ गया। तो केवल LHS से सोल्व करने पे आ जाए तो भी अपने लिए बहुत आसान है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। फिर इसके बाद आते हैं अपन इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, वही इसका भी LHS ले लिया और इसका LHS लिया, और इसको ध्यान से देखा तो पता चला कि आपके ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर सकता हूँ मैं। तो ये पूरा ए इसका स्क्वायर और ये पूरा बी और इसका स्क्वायर, तो एक ए ये हो गया और बी ए पूरा हो गया। तो रखना स्टार्ट करा, ए की जगह 4pq प्लस 3q प्लस 4q माइनस 3q, और ए की जगह 4q प्लस 3q माइनस 4pq माइनस 3q। माइनस है इसलिए इस वाले को ब्रैकेट में लिखा है, 3q कट गया, 4pq से 4pq प्लस हुआ तो 8pq, और माइनस का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4pq प्लस 3q माइनस 4qp और प्लस 3q, 4pq से 4pq कट गया और 3q 6q हो गया। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई होता है हमेशा, कुछ नहीं होता तो 8 6 जा 48 पी और क्यू का स्क्वायर। तो यही आपका RHS है, देखो यही आपको लाना था, ये आ गया। इसी तरीके से अपना इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपको सोल्व करना है, जिसमें ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी, सर्वसमिकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
तो 71 का स्क्वायर, तो इसमें कौन सी सोरस ओमेगा लगेगी, तो ऐसे तो नहीं दिख रही, तो इसको लिखना पड़ेगा 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। ए की जगह 70 है, बी की वैल्यू 1 है, तो 70 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1, 70 का स्क्वायर 4900, 1 का स्क्वायर 1 एंड 140, इनको सबको प्लस करेंगे तो 5041 ये आ गया। सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। और इसका फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन और देखो, फिफ्थ में क्या कह रहा है, 5.2 का होल स्क्वायर, इसको भी वैसे ही 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, यही आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 0.2 है, इसमें रख दिया 5, 0.2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.2, 5 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस 2 × 10 × 20 2.0 25, और ये ऐसे कैसे ही, ऐसे कैसे ही, ये आपको तरीके से इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 20। पॉइंट के नीचे पॉइंट अरेंज करके करते हैं, पीछे पॉइंट होती है, जिसके कुछ नहीं होता उसके पीछे पॉइंट होती है, 25.00 2.00 0.04 इनको लिख के प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा। एंड लास्ट है आज का 2.97303, तो ये दोनों को देखेंगे तो इसको तो शक्ल देख के तो कोई आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसको देखे ध्यान से पता चलेगा कि दोनों 300 के आसपास है, ये 300 से 3 कम है, ये 300 से 3 ज़्यादा है, तो इसको लिख लिया 300 माइनस 3, इसको लिख लिया 300 प्लस 3, तो इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, जो होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह है यहाँ पर 300 और बी की जगह है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 40, और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो इसको माइनस करा तो 8999 और 1 ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट कर लेना है। मिलते हैं कल लाइव क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।